हम जा रहे हैं बनाने उपमा, जो बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम उपमा बनाने के लिए ले लेते हैं कटोरी रवा, जिसे सूजी भी बोलते हैं। हमने ये बारीक रवा ले लिया है, आधा चम्मच नमक, इसमें हमने आधा लेमन ले लिया है और कड़ी पत्ते और राई। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच सिंगदाने ले लिए हैं, 2 कांदे ले लिए थे कट कर लिए इसे, थोड़ा सा धनिया, 1 टमाटर कटा हुआ और 3 से 4 मिर्ची कटी हुई बारीक। अब हम कढ़ाई को गरम कर लेते हैं। 2 चम्मच तेल, तेल गरम हो गया है, हम डालेंगे उसमें तो हल्का फ्राई कर लेते हैं। अब हमारा सिम थोड़ा सा लाल हो गया है, इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता और राई। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची जो पहले से कट कर लिया था, कांदा प्याज डाल देंगे इसमें, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। इसको हल्का पकाना है कांदे को, हमें कांदे को ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हमारे जो नमक है वो डाल देते हैं, टमाटर हमारा पक गया है, हमारा टमाटर पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे रवा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें रवे को स्लो पे थोड़े थोड़े टाइम पे चलाना है, लगातार चलाते रहना है। ये हल्का ब्राउन हो रहा है, इसको चलाते रहिए, नहीं तो वो नीचे से पकड़ लेगा। मैं गैस पास करके इसको लगातार चलाते रहना है। अब हमारा रवा भून गया है, अब इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से इसे धीरे धीरे मिक्स करना है हमें, और थोड़ा धनिया, थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। हमें इसी तरह मिक्स कर लेना है इसको अच्छे से, ताकि हमारा रवा अच्छे से पक जाए। अब हमारा उपमा बन के तैयार हो गया है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।